परम सत्कार योग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब दीन दुनिया दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया ने जो श्री मुखवाक साहिब जिया की बख्शिश की है उस हुक्मनामा साहिब जिया दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए विचार की आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया के चरणों में हाजरी लवाते हुए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिया वालों बख्शिश की हुई फतेह बुलाइए कोई भी रसना वांझी ना रहे सारी संगत गज के फतेह बुलाओ जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हिया भी संगतां ने साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया वह साडा चैनल जरूर सबसक्राइब करो क्योंकि असी इस चैनल ते जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जिया की बख्शिश करते हैं उस हुक्मनामा साहिब जिया के हर रोज़ अखरी अर्थ अपलोड करते हाँ जी अते नाल ही गुरबाणी की कथा गुरबाणी कीर्तन इस चैनल ते असी अपलोड करते हाँ। आओ अज सतगुरु जी की रहमत कर रहे ने की साढ़े ते बख्शिश कर रहे ने सरवण करिए। जैत श्री महला चौथा घर पहला चौप दे अज दा मुखवाक निमाणिया दे माण निताणिया दे ताण निओटिया दी ओट न्यासरिया दे असगुरुए सोटी सुल्तान सतगुरु चौथे गुरु नानक धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जिया ने अपनी रसना तो उचारण किया होया है जो कि राग जैतसरी विच है। घर पहला विच सतगुरु जिया ने गाण की हदायत दिती है। यह सतगुरु जिया की बाणी चार बंदा वाली है। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिया विच 696 अंग ते सुभाई मान है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक ओंकार तो भाव है ओ अकाल पुरख वाहिगुरु जी एक है। सतगुर प्रसाद पूरे सतगुरु जी की रहमत सदका पूरे सतगुरु जिया की कृपा सदका ओ परमात्मा की प्राप्ति होंदी है। मेरे हीरे रतन नाम हर वसिया गुर हाथ धरियो मेरे माथा। मेरे हीरे हीरे तो भाव है हिरदे विच रतन नाम हर वसिया परमात्मा दा रतन तो भी कीमती नाम मेरे हिरदे विच वस गया। कदों गुर हाथ धरियो मेरे माथा जदों पूरे गुरु जी ने पूरे सतगुरु जिया ने अपना मेहर भरिया हाथ मेरे सीस उत्ते रखिया मेरे सिर ते रखिया। महाराज कहिंदे मेरे हिरदे विच परमात्मा दा रतन वर्गा कीमती नाम आ वसिया। वाहिगुरु जी दा नाम पूरे सतगुरु जिया तो ही प्राप्त हुंदा है। जदों पूरे सतगुरु जी की हजूरी विच आवांगे पूरे सतगुरु जिया के चरणों विच आवांगे महाराज सानू विछड़ियां नू परमात्मा नाल मिला देगा। विछड़ियां मेले प्रभु हर दरगह का वसीठ असी वाहिगुरु जी तो विछड़े हुए हाँ। असी इस जन्म अंदर परमात्मा नाल मिलना है पर मिल किवें होना है जदों असी सतगुरु जिया के चरणा जावांगे। गुरु ने सानू परमात्मा दा नाम बख्शना है जदों परमात्मा दे नाम दी असी कमाई करांगे फिर परमात्मा विच असी लीन हो जावांगे।
महाराज इत्थे सानू यही समझा रहे ने, अज धन गुरु रामदास महाराज कह रहे ने, भाई मेरे हिरे रतन नाम हर वसिया, मेरे हिरदे विच परमात्मा दा कीमती नाम आ वसिया है। कदों गुर हाथ धरियो मेरे माथा, जदों पूरे सतगुरु जिया ने अपना मेहर भरिया हाथ मेरे सीस उत्ते रख दिता। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, गुर नाम दियो रिन लाथा। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, जदों पूरे सतगुरु जिया ने मैनू परमात्मा दा नाम बख्शिया, मेरे सिर उत्ते अपना मेहर भरिया हाथ रखिया। महाराज कहिंदे मेरे जन्मा जन्मांतरां दे कीते होए पाप, किलविख तों भाव हुंदा पाप, सारे ही लै गए। गुर नाम दियो रिन लाथा, रिन तों भाव है करजा, विकारां दा भार। हे भाई, जिस भी मनुख नूं गुरु ने परमात्मा दा नाम बख्श दिता, उस दे अनेकां जन्मां दे पाप दुख दूर हो गए, उस दे सिरों पापां दा करजा लै गया। साडे सिर उत्ते पापां दा बहुत वड्डा करजा है, क्योंकि असी पिछले जन्मां विच पता ही नहीं किन्ने क पाप कीते है। जिहनूं महाराज जीआं ने बाणी विच आखिया, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याहो। महाराज कहिंदे इह मन काला होया पिया पापां दे नाल, क्योंकि जन्मां जन्मांतरां दी इहनूं मैल ही बहुत लगी होई है। इह मैल लैणी किवें आ? जदों असीं परमात्मा दा नाम जपांगे। परमात्मा दा नाम कित्थों मिलदा है? जिवें हर एक चीज़ किसी ना किसी दुकान तों मिलदी है। करियाने दा समान करियाने दी दुकान तों मिलेगा, दवाइयां दा समान मेडिकल दी दुकान तों मिलेगा। इसे तरह हर एक समान वक्री वक्री दुकान तों मिलदा है। परमात्मा दा नाम कित्थों प्राप्त होएगा, कित्थों मिलेगा? यह मिलेगा गुरु दी चरणा विच आके। जदों असी सतगुरु जिया दी हजूरी विच आवांगे, गुरु जी दे चरणा विच आवांगे, महाराज सानू परमात्मा दा नाम बख्श देणगे। महाराज कहिंदे जिहनूं महाराज ने परमात्मा दा नाम बख्श दिता, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, उहदे जन्म जन्मांतरां दे कीते होए पाप लै गए, उतर गए। गुर नाम दियो रिन लाथा, जदों पूरे सतगुरु जी दे नाम दी कमाई कीती तां विकारां दा भार लै गया। मेरे मन भज राम नाम सब अर्था, अर्था तों भाव है पदार्थ। हे मेरे मन, सदा परमात्मा दा नाम सिमरिया कर। परमात्मा सारे पदार्थ देण वाला है। वाहिगुरु जी हर एक नूं दातां दे रहा है। साडी जिंदगी अंदर जिन्नियां भी दातां हन, जिन्ने भी पदार्थ हन, जिन्नियां भी वस्तुआं सानू मिलियां हन, यह देण वाला एक अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही है। साडे मन नूं भुलेखा है भी सानू आ चीज़ फलाने बंदे ने दिती है, आ चीज़ वो बंदे ने दिती है, पर नहीं। अरे मन भज राम नाम, महाराज कहिंदे मेरिया मना, परमात्मा दा नाम भज भज के जपिया कर, हर टाइम जपिया कर। सब अर्था, क्योंकि परमात्मा हर एक पदार्थ तेनू दे रहा है, हर एक दाता तेनू बख्श रहा है। गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, बिन नावे जीवन बिरथा रहाओ। गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया, दृढ़ाया तो भाव है पक्का कर दिता। बिन नावे जीवन बिरथा, बिरथा तो भाव है व्यर्थ। महाराज कहिंदे हे मन, गुरु दी शरण पिया रिया कर। पूरे सतगुरु जी ने ही परमात्मा दा नाम हिरदे विच पक्का कर देना है, ते नाम तो बिना मनुखा जिंदगी व्यर्थ चली जाती है।
पूरे सतगुरु जी दे चरणा अंदर हमेशा ही महाराज कहंदे रहा करो भाई, क्योंकि जदों पूरे सतगुरु जी दे चरणा विच रहांगे फिर महाराज ने परमात्मा दा नाम साडे हिरदे अंदर पक्का कर देना है। सानू समझ पै जानी है वे परमात्मा दा नाम जप के ही जीवन सफल हो सकता है, पर जिन्हां ने परमात्मा दा नाम नहीं जपया, जिन्हां ने वाहिगुरु जीआं नूं नहीं याद कीता, बिन नावै जीवन बिरथा, नाम तो बिना मनुखा जिंदगी उहदी व्यर्थ चली गई। बिन गुर मूड पए है मन मुख, ते मोह माया नित फाथा। बिन गुर मूड पए है मन मुख, मूड तो भाव है मूर्ख, मनमुख तो भाव है जेड़ा अपने मन दे पिछे तुरदा, जां इउं कह लो जेड़ा गुरु जी दे बचन नहीं मनदा, परमात्मा दी होंद नू नहीं मनदा, अपने मन दी मर्जी करदा। बिन गुर मूड पए है मनमुख ते मोह माया नित फाथा। महाराज कहंदे जेड़े मनुख अपने मन दे पिछे तुरदे हन ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਪਏ ਹੈ ਮਨਮੁੱਖ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ। ਅਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬਹੂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪਗ ਸੇਵੇ, ਤਿੰਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪੱਗ ਸੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਖਸਮ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਥਕਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਮਨਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੂਲ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੋਕੋ ਕੀਚੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਹਰ ਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨ ਨਾਥਾ। ਜਗਨਨਾਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ ਨਾਥ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਹਰੀ, ਹੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਰ? ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ,
असी माया दे विच अन्ने होए हाँ। साडे कोल ज्ञान वाले नेत्र नहीं हन, असल विच ओ इंसान नेत्रहीन है, अन्ना है जिहदे को ज्ञान वाले नेत्र नहीं। हम अंधले असी अन्ने हाँ, क्यों अन्ने हाँ? ज्ञानहीन, क्योंकि साडे कोल ज्ञान नहीं। असी अग्ञानी हाँ, क्यों चलै मार्ग पंथा? असी आत्मक जीवन की सूझ तो सखने हाँ, सानू सही जीवन जुगत की सूझ नहीं है। ए महाराज, असी थोड़े दसे हुए जीवन राह ते नहीं तुरदे। क्यों चलै मार्ग पंथा? पंथा तो भाव है रस्ता। महाराज, जिहड़ा तुसी रस्ता दस रहे हो ना, असी वह रस्ते ते तुरदे नहीं। हम अंधले को गुरे अंचल दीजै, जन नानक चल है मिलंथा। धन गुरु रामदास महाराज कह रहे ने, हे सच्चे पातशाह, हे सतगुरु, हम अंधले को गुर अंचल दीजै, सानू अन्या नू अपने पल्ले नाल ला लो। अंचल तो भाव है पल्ला, सानू अपना पल्ला फड़ा दिओ। जन नानक चलै मलंथा, थोड़े पल्ले नू फड़ के तां जो असी थोड़े दसे हुए जीवन राह ते तुर सकीए, असी ये जीवन की बाजी जित के जा सकीए। महाराज, कृपा करो, सानू गुरु नाल मिला दो। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु तो बिना जीवन की समझ किसी ने नहीं दसनी। पूरे सतगुरु जिया की जदों हजूरी अंदर आवांगे, फिर महाराज सानू दसणगे वे तेरी जिंदगी का असल सच की है। असी अपनी जिंदगी का असल सच समझी बैठे हाँ। साडा परिवार, साडे रिश्तेदार, आ दुनिया नू असी सच समझी बैठे हाँ, पर ये महाराज कहिंदे जिहड़ा तू सच समझिया होया ये झूठ है, ये नाशवंत है। एक दिन परिवार ने भी तेरे कोल नहीं रहना, रिश्तेदार ने भी तेरे कोल नहीं रहना। जिन्नी तू धन दौलत माया इकट्ठी करदा ये भी तेरे कोल नहीं रहेगी, जिन्हों अज तू सच समझी बैठा। ये सारी चीज झूठ है। फिर महाराज, सच केड़ी चीज है? वह परमात्मा का नाम है। महाराज जी, परमात्मा का नाम कित्थों मिलेगा? महाराज कहिंदे परमात्मा का नाम पूरे सतगुरु जिया की हजूरी चो मिलेगा। जदों पूरे सतगुरु जिया के चरणों में आओगे, जदों अपनी जिंदगी अंदर गुरु नूं धारण करोगे, फिर महाराज तुहाडे सिर ते मेहर भरिया हथ रखणगे ते तुहानूं परमात्मा का नाम बख्श देणगे। परमात्मा दे नाम की कमाई कर करके महाराज कहिंदे फिर तुम अपने मन नूं उस परम आत्मा विच लीन कर ले। जदों तू परमात्मा दे नाम की कमाई करेगा, तेरी जिंदगी विचों सारे दुख दलिद्र, तेरी जिंदगी अंदरों पाप सारे धोते जाणगे। सिमरो सिमर सिमर सुख सा पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। परमात्मा दा सिमरन करके इंसान दी जिंदगी अंदरों सारे कलेश दुख दलिद्र दूर हो जाते हैं। सो सत संगत जी, ये सन जो अज सतगुरु जिया ने श्री दरबार साहिब श्री हरिमंदर साहिब हुक्मनामा साहिब जिया की बख्शिश कीती है। उस हुक्मनामा साहिब जिया के अखरी अर्थ जो आप विचार किए हैं, विचार करते समय एक नहीं बेअंत भुला हो गई, अणजाण बच्चे समझ के माफ़ करो जी। उपदेश सतगुर जिया का जान के अपने हिरदिया के अंदर वसा लियो। भुला साड़ी झोली विच पा दियो जी। गुरु वाले बनो, अमृत छको, बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।